नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आने वाला सप्ताह सभी राशियों के लिए मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपनी राशि के बारे में पता चल जाए और आपको क्या करना है इस पूरे सप्ते में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये कहीं ना कहीं खुशखबरियां लेके आने वाला सप्ताह रहेगा। जी हाँ, मेष राशि, आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष चीजें यहां पर लेके आने वाला है और साथ ही साथ आप किसी नई चीज पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई योजनाएं आप बना सकते हैं, ऐसा भी यहां पर दिखाई देता है। अगर आप नौकरी में काम करते हैं और कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट आपके लिए सिरदर्दी ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओवरथिंकिंग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस समय में आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, नहीं तो माइग्रेन जैसे इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। अदरवाइज सेहत आपकी ठीक रहेगी, सेहत में कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आपको इस सप्ताह नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि, यहां पर संकेत दिखते हैं, यहां पर कुंडली एनालिसिस से पता चलता है यहां पर कि वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही ज्यादा शानदार जाने वाला है। जी हाँ, कोई पुराना शत्रु, कोई पुराना एनिमी अगर है आपका तो वो यहां पर खत्म हो जाएगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यदि आपने कोई काम करने की योजना बनाई है या फिर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को थोड़ा सा एक बार और एनालिसिस करके अपने फाइनेंस को उस प्लान पे फिट करके चेक कर लीजिए कि वहां पर वह प्लान फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करिए, आपको जरूर इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हेल्थ में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको मुंह से संबंधित कोई कोई बीमारी, कोई कोई परेशानियां हो सकती है। जी हाँ, आपके दांतों में पेन हो सकता है, आपको छाले हो सकते हैं या फिर आपको कोई चोट लग जाए, कोई कट लग जाए, आपको वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, सर्दी जुखाम से आपको परेशानी हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई बीमारी हो तो कोशिश करिएगा कि आप लक्ष्मी जी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पर्सनल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर्सनल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं यहां पर मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह की जो शुरुआत रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी, काफी ज्यादा शानदार सप्ताह रहने वाला है। परंतु यहां पर सप्ताह का मिड का और अंत का जो टाइम रहेगा वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां लेके आ सकता है। मिथुन राशि वाले, बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए और किसी के बहकावे में आके कोई भी काम करने का प्रयास मत करिए। कोशिश यही करें कि जितना हो सके अकेले फोकस्ड रह के काम करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। स्वास्थ्य से संबंधित आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, बट हाँ, आप अगर किसी से रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उसे बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ये सप्ताह आपके लिए उसमें काफी ज्यादा आपको फायदा जरूर देगा। यहां पर अगर हम बात करें अब कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो सप्ताह रहेगा ये सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें, कुछ नई योजनाएं बनाने वाला सप्ताह है, परंतु साथ ही साथ प्रॉब्लम्स का भी सप्ताह है। कर्क राशि, आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ में, स्पेशली आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर आपको दिल की बीमारी है, अगर आपको ब्लड की बीमारी है, तो आपको बहुत ज्यादा इस सप्ताह आपको अपना ध्यान रखना है। जी हाँ, अगर आपको नहीं आपके जीवन साथी को है तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको दिक्कतें हो सकती है, या फिर अगर आपकी माता जी को है तो माता जी का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं यहां पर अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत ही ज्यादा शानदार जाने वाला है। जी हाँ, सिंह राशि वाले, आप इस सप्ताह में कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं, कुछ नया काम करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। सिंह राशि, आज आप कोई भी काम करें तो उसमें पेशेंस जरूर रखिएगा, सब्र जरूर रखिएगा और उसके बाद अपने काम को करने की कोशिश जरूर करिएगा। सिंह राशि, आज आप अपने चाहने वालों के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर यहाँ पर देखें तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है यहाँ पर। जी हाँ, कन्या राशि, आपको बहुत ही ज्यादा वाद विवाद में नहीं उलझना है, जितना हो सके शांत रहना है, जितना हो सके आराम से रहना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य वैसे आपका ठीक रहेगा, परंतु फिर भी आपको कहीं ना कहीं सावधान जरूर रहना है, छोटी मोटी चोट आपको ना लग जाए, जैसे सब्जी काट रहे हैं चाकू से चोट लग गई तो वैसी चीज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, करंट लग गया, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जी हाँ, सावधानी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और ये सप्ताह आपका बहुत ही ज्यादा शानदार जाएगा। बस आपको उलझना नहीं, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को शांत रखना है, सो दैट कि आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिले। तुला राशि वाले, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार जाने वाला है। जी हाँ, तुला राशि, अगर आप कोई नई योजनाएं बना रहे हैं, किसी नए काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला है। आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं तुला राशि, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। हेल्थ में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। गर्दन और पीठ में आपको मोच आ सकती है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी हाँ, बाकी इसके अलावा तुला राशि, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग सप्ताह जाने वाला है। जी हाँ, वृश्चिक राशि, आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, बहुत अच्छे काम को करने की प्रयास करेंगे, आपके पास पूरे वीक का शेड्यूल होगा कि आपको कब कब क्या क्या करना है, और ये शेड्यूल अगर आप बना के चलते हैं तो आपका सप्ताह बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। नए कपड़े आप परचेज कर सकते हैं इस सप्ताह में, नई चीजें आप परचेज कर सकते हैं इस सप्ताह में, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहीं बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुल मिला के लाभ का सप्ताह है, प्रॉफिट का सप्ताह है और आराम से इंजॉय करने का सप्ताह है, तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो ये जो सप्ताह है ये थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला सप्ताह है। जी हाँ, धनु राशि, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और लोग आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आप किराएदार हैं तो मकान मालिक परेशान करेगा, अगर आप मकान मालिक हैं तो किराएदार परेशान करेगा, अगर आप बॉस हैं तो एम्प्लॉयज परेशान करेंगे, और अगर आप एम्प्लॉयज हैं तो बॉसेज आपको परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं आपके सीनियर से, आपके जूनियर से आपको परेशानी होनी ही होनी है। इस सप्ताह आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। स्वास्थ्य वैसे आपका ठीक रहेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है, ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत आपको ना हो और आपका जो भी मैटर है, जो भी मामला है, वो आराम से सुलझ जाए। अब हम बात करते हैं, आइए यहाँ पर मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा विशेष सप्ताह नहीं है। मकर राशि, आपको क्या करना है, आपको सारी चीजों को एक शेड्यूल मेंटेन करके रखना है। जी हाँ, आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम मिस कर देंगे, इसके कारण से आपको परेशानी होगी। बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा प्रेशर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके पास टारगेट अचीव करने का लोड है और उसके कारण से अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम में लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं है। व्यवसाय में, नौकरी में चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा, तो चैलेंज रहेगा इट मींस कि लाभ कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, चैलेंज ज्यादा रहेगा और लाभ कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो पैसों के कारण से परेशानी आ सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मकर राशि, बहुत ही ज्यादा सावधानी से दिन निकालना है, बहुत ही ज्यादा आराम से समय निकालना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको परेशानी ना देखने को मिले। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सप्ताह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कुंभ राशि, अगर आप कोई भी योजनाएं बनाते हैं तो उस योजना में पूरी तरह से सफल होंगे। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, और साथ ही साथ देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने की कोशिश जरूर करेंगे, आप जरूरत से ज्यादा काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, ध्यान रखिएगा, सेहत की परेशानियां प्रॉब्लम दे सकती है। जी, सेहत में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बहुत ज्यादा ओवर हेक्टिक शेड्यूल आपको नहीं बनाना है, अपने काम को लिमिटेड समय में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा ओवर वर्क भी आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दर्द आपको हो अगर कोई तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करिएगा, और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो किसी की सलाह जरूर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की।
मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो मीन राशि के जातक अगर कोई काम पूरा करना चाहते हैं, कोई टारगेट पूरा करना चाहते हैं, तो वो शायद पूरी तरह से कंप्लीट ना हो पाए, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको अपने साथ वालों से थोड़ा सा सावधान रहना है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आराम से और संभल के काम करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दबाजी में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर आपको परेशानियां हो सकती है। आप सभी को ये सप्ताह पूरा अच्छा करने के लिए क्या करना है, भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। आप सभी जने अगर हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो यहाँ पर आप सभी का सप्ताह पूरा अच्छा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो इस हफ्ते में आप बहुत अच्छी चीजें भी करने का प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी को इस हफ्ते में थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपका ये सप्ताह कैसा जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।